नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी के एकमात्र सबसे तेजी से बढ़ते हुए सोशल मीडिया चैनल घोसी लाइव में। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। ये लाइन घोसी के लाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से मधुबन मोड़ स्थित निवासी सुमित आर्य ने जहां MBBS की डिग्री प्राप्त कर दिल्ली के सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में इस वैश्विक महामारी COVID-19 में अपनी उत्कृष्ट सेवा दे रहे थे, तभी उनका चयन मेडिकल के PG कोर्स के लिए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई इटावा में हो गया। इसकी सूचना जैसे ही नगर वासियों में हुई, उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। राजस्व विभाग में लेखपाल पद पर कार्यरत उमाकांत आर और कुशल गृहिणी चंदा देवी के 3 पुत्रों में सुमित आर्य दूसरे नंबर पर हैं, जिनका चयन उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई इटावा के लिए हुआ। सुमित के बड़े भाई अमित आर नगर में जहां अपना व्यवसाय देखते हैं, वहीं छोटा भाई विशाल आर पढ़ाई कर रहे हैं। नगर के ही स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल से प्रारंभित शिक्षा व सर्वोदय इंटर कॉलेज से हाई स्कूल व इंटर कॉलेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत 2004 में ही मेडिकल की तैयारी करने के लिए कानपुर चले गए। तैयारी उपरांत GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में MBBS में दाखिला लिया और MBBS की पढ़ाई पूरा करने के बाद दिल्ली के सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में सेवा देने लगे। इसी दौरान मेडिकल के PG कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा दी और उनका PG कोर्स के लिए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई इटावा में चयन हो गया। सुमित आर्य ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देते हुए अन्य छात्रों के लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। सुमित आर्य, डॉक्टर सुमित आर्य। अच्छा, तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सर, मैंने सबसे पहले इंटर यहाँ से किया है, सर्वोदय इंटर कॉलेज से। प्राइमरी एजुकेशन स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर में हुई है और इसके बाद मैं तैयारी करने कानपुर आया। कानपुर से फिर मैंने 151 रैंक लेके डिस्ट्रिक्ट को अपने टॉप किया था और मैं GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS किया है। उसके बाद मैं दिल्ली निकल गया तैयारी करने और मैं जॉब भी करता रहा। प्रेजेंट टाइम में सफदरजंग में एज ए कैजुअल्टी JR था और COVID-19 में पोस्टिंग थी और अभी नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया है। ऑल इंडिया रैंक 8321 और UP में 289 रैंक थी और अभी प्रेजेंट टाइम में MD पल्मोनरी मेडिसिन सैफई से अलॉट हुआ है। अच्छा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? मम्मी पापा और मेरे टीचर्स, जिन्होंने इतना ट्रस्ट किया और आगे बढ़ने का मौका दिया। कुछ जो लड़के इस क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं या अभी आगे उनका लक्ष्य है, पढ़ रहे हैं इंटर वगैरह में है, ये उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए केवल एक लाइन का संदेश है, टारगेट सेट करें और उसे अचीव करने की कोशिश करें और जब तक वो कोशिश नहीं करेंगे कोई भी सफलता हासिल, बैठ के तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। टारगेट सेट करके उस पर प्रयास करना चाहिए, लगातार करना चाहिए।